यह घटना 1999 के आसपास की है। दिल्ली में रहने वाले हमारे एक दूर के रिश्तेदार पहली बार हमारे गांव जगनपुरा में अपने एक नज़दीकी रिश्तेदार के घर पर आए। वहां उनका मन नहीं लगता था। रिश्तेदार अपने व्यवसाय में व्यस्त रहते थे और उनकी पत्नी अपने छोटे छोटे बच्चों में। वे वहां किससे और कितनी देर बात करते, उनके यहां जाने में जानबूझकर देर करते थे और हमारे यहां बैठकर बातें करते थे। बड़े गप्पी थे वो। अक्सर वे हमारे घर पहुंच जाते थे और घंटे दो घंटे गपशप करने के बाद खाना पीना खाकर ही लौटते थे। एक दिन शाम को पहुंचे तो इधर उधर की बात होते होते भूत प्रेत पर बात जा रुकी। भूत प्रेत का नाम सुनते ही उन्होंने अपनी शौर्य गाथाएं सुनानी शुरू की। फलाना जगह में भूत के वजह से जाने से लोग डरते हैं, मैं वहां रात भर रहा, फलाना जगह पर ये किया वो किया, और हम सभी उनके हिम्मत के आगे नतमस्तक थे। मेरी मम्मी ने एक दो बार रात के समय इस तरह की बातें ना करने के लिए भी कहा था, पर वो मानते कहाँ थे। नहीं चाची जी, भूत प्रेत वगैरह कुछ भी नहीं होता, वैसे ही मन का वहम है ये, और ना जाने कहाँ कहाँ से ऐसे वैसे किस्से सुनाते रहते थे। उस दिन खाते पीते कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी। रात के करीब 11 बज गए थे। गांव में काफ़ी सन्नाटा हो गया था। उस घर के छत से आवाज़ देकर बच्चे बार बार बुला रहे थे। सामने के रास्ते से जाने से, कई मोड़ पड़ जाने से उनका घर हमारे घर से कुछ दूर पर पड़ जाता था, पर खेत से होकर एक शॉर्टकट रास्ता था। हम लोग अक्सर उसी रास्ते से आते जाते थे। उन्होंने भी उस दिन उसी रास्ते से जाने का निश्चय किया। पीछे के दरवाजे से उन्हें भेजकर हम लोग दरवाज़ा बंद करके अंदर अपने अपने कामों में लग गए। अचानक मेरी छोटी बहन के दिमाग में क्या आया, छत पर जाकर देखने लगी कि वे घर पहुंचे या नहीं। अंधेरा काफ़ी था, मेरी बहन को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह छत से लौटने ही वाली थी कि उसे महसूस हुआ कोई दौड़कर हमारे बगान में आया और सामने नीम के पेड़ के नीचे छुप गया। मेरी बहन ने पूछा, कौन है? उनकी आवाज़ आई, मैं हूँ। आप चाचा जी के यहाँ गए नहीं? खेत में कुएं के पास कोई बैठा हुआ है। गांव में रात के अंधेरे में चोरों का ही आतंक रहता है। उनकी इस बात को सुनकर हम लोगों को चोर के होने का अंदेशा हुआ। जल्दी जल्दी पिछवाड़े का दरवाज़ा खोला गया। पूछने पर उन्होंने हमारे अंदेशे को गलत बताते हुए कहा कि वह कोई आदमी नहीं, भूत प्रेत जैसा कुछ है, क्योंकि कुएं के पास उसकी दो लाल लाल आँखें चमक रही है। तब जाकर हम लोगों को ध्यान आया कि कुएं के पास खेत में पानी पटाने वाला डीजल पंप रखा है और उसमें दो लाल बत्तियां जलती है। जब उन्हें यह बात बताया गया तो उन्होंने एकदम से झोंक कर कहा, ओ हम तो इससे डर खा गए। बेचारे कर भी क्या सकते थे। इस डर खाने की कहानी से तुरंत बखानी गई उनकी निडरता की कहानियों के पोल खोल दिया था। फिर थोड़ी ही देर में वे वहाँ से चले गए। और हमारे घर के माहौल तो पूछिए मत, हम लोगों को तो बस हंसने का जैसे एक बहाना सा मिल गया था। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी अगर आप लोग को पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।